नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा। जैसा कि हम अष्टांग योग के बारे में बात कर रहे हैं और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, और अब बारी आती है समाधि की, जो कि अष्टांग योग का आखिरी अंग है। समाधि के बाद में मोक्ष प्राप्ति होती है। तो जिस तरह से हमने देखा कि धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग योग होते हैं और इन्हें ध्यानात्मक आसन में किया जाता है, तो जैसे कि धारणा होती है किसी भी विषय पर ध्यान लगाना, ध्यान होता है उसी जो धारणा का कंटिन्यू बना रहना, यानी किसी भी सब्जेक्ट पर लंबे समय तक ध्यान लगाना, वो होता है ध्यान या मेडिटेशन जिसकी हम बात करते हैं। और फिर आता है समाधि। तो ये जो समाधि होता है ये ध्यान के भी आगे की स्टेज है, मेडिटेशन के भी आगे की स्टेज है। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति ध्यान लगा रहा है, वो जिस सब्जेक्ट में ध्यान लगा रहा है उसमें इस तरह से तल्लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है कि उसको ये नहीं पता होता है कि वो खुद क्या है। उसको सिर्फ यही ज्ञान रहता है कि वो जिसके बारे में ध्यान लगा रहा है। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि हमारे जो पुराने जो पौराणिक ग्रंथ होते हैं, या अभी आप सीरियल्स वगैरह भी देखते होंगे, तो उनमें बताते हैं कि जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, कहीं हिमालय पे जाके जो है तपस्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो क्या होता है कि ठंड हो, चाहे बारिश हो रही हो बहुत तेज़, गर्मी हो रही हो बहुत तेज़, लेकिन क्या होता था कि वो लंबे समय तक बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चाहे उनके ऊपर ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी उनको अपने शरीर का भी होश नहीं रहता था और उनका ध्यान पूरी तरह से परमात्मा में लगा हुआ रहता था। तो ये जो अवस्थाएँ होती है, ये जो स्टेजेस होती है, इसी को समाधि कहते हैं। तो जो ध्यान लगाता है उसे बोलते हैं ध्याता, जिसका ध्यान लगा रहा है उसको बोलते हैं ध्येय, और जो ये क्रिया होती है ये ध्यान होती है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें जो ध्याता है यानी जो ध्यान लगा रहा है उसको खुद का होश ना होकर सिर्फ ये पता होता है ध्येय के बारे में जिसका वो ध्यान लगा रहा है, तो इस जो क्रिया है उसको बोलते हैं समाधि। तो इसमें क्या होता है, जो ध्यान लगा रहा है व्यक्ति उसका खुद का स्वरूप पूरी तरह से परमात्मा में मिल जाता है, उसका खुद का कोई अलग से अस्तित्व नहीं बचता है। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो ये जो संप्रज्ञात समाधि होती है इसमें चार स्टेजेस होती हैं। तो इस ये कौन कौन सी हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इनके अनुगत होती है ये चार स्टेजेस। जैसे पहली है वितर्क अनुगत, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति में तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, वो ध्यान कर पा रहा है अच्छे से लेकिन उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज में आता है व्यक्ति, तब उसे बोलते हैं विचारानुगत, इसमें क्या होता है कि विचार करने की क्षमता तो होती है लेकिन तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होती। फिर आता है आनंदानुगत, इसमें ना तो तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है ना कुछ विचार करने की, इसमें व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। और इसके बाद जो आता है वो होता है अस्मितानुगत, इसमें ना तो व्यक्ति तर्क वितर्क कर सकता है ना विचार, ना कोई आनंद होता है। इसमें इंसान को आत्म तत्व की, खुद की आत्मा को पहचानने का जो ज्ञान है वो हो जाता है। तो इस तरह से ये चार स्टेजेस होती हैं संप्रज्ञात समाधि की। दूसरा होता है असंप्रज्ञात समाधि। तो इसको ऐसे समझें कि हर जो मनुष्य होता है उसमें तीन तरह की वृत्तियाँ होती है उनके मन की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो ज़्यादा डोमिनेंट होता है उसके हिसाब से उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। जैसे कि जो सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है कि संत महात्मा टाइप का, सबके लिए अच्छा सोचने वाला, अच्छा करने वाला। जो राजसिक प्रवृत्ति का होता है वो राजा टाइप का, व्यापारी टाइप का, और संचय की प्रवृत्ति वाला, खुद भी ऐशो आराम से जीने वाला, इस टाइप का जो व्यक्ति होता है वो राजसिक होता है। और तामसिक, अंधकार, दरिद्रता या एकदम
जो आलसी सा रहता है तो वो खुद भी अंधकार में रहता है, दूसरों को भी अंधकार में रखता है। तो इस टाइप का जो व्यक्ति होता है वो तामसी प्रवृत्ति का होता है। तो जब व्यक्ति में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों तरह की जो मन की वृत्तियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, यानी कि ना तो वो अभी अच्छा है, ना बुरा है, ना आलसी है, ना कुछ है, मतलब ये सारे जो मन के विकार होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, उसकी बुद्धि कुछ नहीं सोचती है, तो वो जो कंडीशन होती है वो असंप्रज्ञात समाधि की कंडीशन होती है। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो ये इस टाइप से होता है ये समाधि। तो इसी के साथ हमारा ये समाधि टॉपिक खत्म होता है और अष्टांग योग भी जो टॉपिक है वो खत्म होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप योग को अपने जीवन में अपना चुके होंगे और अब आप और बेहतर तरीके से योग को अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे। और अगर इसके साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।